लिटरली गाइस, मेरे घर से 5 मिनट का रास्ता था और बेचारा मैं पौने घंटे से इधर से उधर उधर से इधर घूम रहा हूँ। हद है यार। मतलब चलो कोई नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। सो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? बाकी अभी हम निकल गए हैं। बाकी आज मेरे को टूर पे जा नहीं पाया क्योंकि सिटी का कुछ काम था और मेरे को आरएनटी तरफ भी जाना था, तो मैंने कहा आज वो निपटा लेते, बाकी समझते हैं। बाकी मेरा प्लान तो था पूरा जाने का, पर काम बीच में आ गया, तो मैंने कहा ये पहले कर लेते, बाकी समझेंगे फिर बाद में। और अभी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 2:30 बज गए हैं। अब अभी हम गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना गाइस, लिटरली मतलब मन ही नहीं कर रहा था, पर काम तो करना है। बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ वैसे तो ना गाइस, आज थोड़ा मेरे को जल्दी निकलना था, पर पता नहीं क्यों थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो गोली वोली ली थी, आराम कर रहा था मैं। बाकी फिर काम तो करना ही है यार मेरे को आज, क्योंकि नहीं तो फिर वो मंडे पे पेंडिंग जाएगा और फिर वो लंबाई खींचा जाएगा यार, वो काम ही नहीं होता यार ऐसे। पर ठीक है यार, अभी भी चल ही रहे हम। बाकी मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। ये देखो गाइस, ये अभी दवा बाजार तरफ हम चल रहे हैं और अभी बस खाने पीने वाली दुकानों को छोड़ कर तो एकदम सुस्ती छाई हुई है हर दुकानों पे। सब आराम से बैठे हुए गर्मी में, और वैसे भी दिन में बहुत कम ही लोग आते हैं। वैसे जनरली अगर जो आते हैं तो होलसेलर की चलती है दुकान, क्योंकि रिटेलर्स आते हैं दूर दूर से उनकी दवाइयाँ लेने। बाकी तो कोई इतना ये है नहीं। अभी हम आगे चलते हैं और ये मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आती है, लोगों ने गाड़ी ऐसी रोड पे क्यों खड़ी कर देते हैं। कार पार्किंग अगर उधर लगा है तो उसके उस पार करानी चाहिए ना गाड़ी खड़ी। इस पार वही है कि फिर ट्रैफिक जाम होता है आगे जाके और वही दिक्कतें होती है। अभी हमको चलना है आरएनटी तरफ, तो हम मुड़ेंगे राइट हैंड साइड पे। बाकी इधर आप देख सकते हैं ये आरएनटी चौराहे की एक चीज है गाइस, इसमें मतलब बीच में कोई भी डिवाइडर नहीं देके रखा है, तो अगर आपको उस साइड जाना है तो आपको पूरा चौराहा क्रॉस करके ही जाना पड़ता है आखिर तक। बाकी एक तरीके से ठीक भी है कि नहीं दिया है, क्योंकि अगर फिर लोग भी बहुत बीच में घुसते हैं फिर एक्सीडेंट के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं, और ऐसे लोग है ना डायरेक्ट बीच में से भी घुस जाते हैं। पर भैया हम तो नियम से ही चलेंगे, पूरा सर्कल मार के भैया वही बेटर रहेगा। एक एक हाथ मिनट 2 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। पता नहीं अभी मेरे को आवाज आई पीछे जोर से, किसी के चिल्लाने की आई कि गाड़ी की आवाज आई, क्योंकि आजकल लोग है ना ऐसे ऐसे हॉर्न लगा के रखते हैं ना कि कोई सीन सीन निकलता है इन चीजों का। तो गाइज अभी हम हमारी लोकेशन पे आ गए हैं, बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं। बाकी इतना गंदीवाड़ा होके रखा है ना, इतने नाले टाइप बना के रखा लोगों ने, कोई प्रॉपर जगह ही नहीं है। तो अभी गाइस ऐसे मैं बंगाली की तरफ तो जा रहा हूँ, पर मैं जाता तो उधर से ही चले जाता है एमआईएस होके सीधे होके डायरेक्ट रिंग रोड से। पर मैंने सोचा यार चलो यार अपन है ना गूगल बाबा को लेके चलते, वो कैसे लेके जाता है तो पता तो चले अपने को। बाकी अभी वो बोल रहा है इधर मुड़ना है। ठीक है भाई, मुड़ते हैं, बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। गूगल बाबा हमें मनोरमागंज से लेके आया है, और अब देखते हैं शॉर्टकट दिखा रही है लगता हो, इधर के इधर निकल जाऊंगे। बाकी ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, रास्ता तो ठीक है। अभी ये गाड़ियां अभी मेरे हिसाब से यहाँ से सीधे अपन डायरेक्ट बंगाली पहुंच तो जाएंगे। बाकी समझते हैं ये हमारे सांसद का कार्यालय इस तरफ, शंकर लालवानी। ये देखो गाइस, पहले है ना मेरे को ये इधर लेके आया वो, और फिर वापस से ना पीछे की तरफ से घुमा के ले जा रहा है। मतलब पहले लेफ्ट लाया फिर सीधे चला फिर वापिस से राइट। अरे तो मैंने कहा घूमने की जरूरत ही क्या थी इतनी। चलो
किधर से मुड़ते हैं, वो तो उधर से पहुंच जाता तो बेटर रहता, पर ठीक है अब आ गए हैं तो हमारा काम हो गया गाइस। जो डॉक्यूमेंटेशन का था, एक्चुअली मैं इनका ऑफिस बंगाली पे ही था, वो जबरन में मैं आरएनटी पे गया क्योंकि गूगल पे भी इनका एड्रेस आरएनटी का ही लिखा है, और पूछने पे भी जब श्रीवर्धन का ही बताया गया था तो जबरन में इतनी माता बच्ची उधर जाने की। पर ठीक है, हमारा यहाँ पे है ना हमको 5-7 मिनट लगे तो काम तो हो गया जल्दी। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम निकल गए, और यहाँ से मुश्किल से मेरा घर है ना 7-8 मिनट की दूरी पे, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट। ये देखिए अभी आगे से ना एक टर्न आएगा, अब हमको उधर से मुड़ना है तो हम सीधे GMB पहुँचेंगे जो पिपलियाना पे है, और फिर उधर से हमारा घर तो 2-3 मिनट का रास्ता है। तो गाइस अब आज का मोटो व्लॉग अब हम यहीं पे एंड करेंगे, और आपसे जल्दी कल मिलेंगे। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और शॉर्ट्स अच्छे लग रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अब जल्दी मिलेंगे आपसे कल, तो टाटा बाय बाय गुड बाय, अब मिलते हैं आपसे कल। अब आजकल ये जो रोड है अब इस पर भी काफ़ी बंगले बनने लग गए हैं, पहले इतने बंगले नहीं थे, मतलब गिनती के कुछ थे, अब बनने भी लग गए हैं। और इसको जैसा कि आप जानते हैं 140 कहते हैं, और बड़े प्लॉट की साइज़ है यहाँ पे, तो छोटे मोटे घर तो बन नहीं सकते। ये भैया ने यहाँ पे सिर्फ पहले गन्ने बेचा करता था, गन्ने का रस, फिर इसने धीरे से नारियल पानी चालू करा, और अभी उसने एडअप करके तरबूज भी चालू कर दिया है, तो बढ़िया है भाई का। तो तीनों ही चल रहे थोड़े थोड़े, एक्चुअली वैरायटी भी आपको रखना पड़ती है गाइस, तो दिक्कत तो होती है। और बाकी आप देख सकते हैं टाइम हो गया है 3:30 ऑलमोस्ट, अब हम घर पहुँचते और मिलते हैं आपसे कल।